SRM टुडे शहर की आवाज। मंदसौर के यशोधर्मन पुरातत्व संग्रहालय में विश्व विरासत दिवस के उपलक्ष्य में गौरी पुत्र भगवान गणेश पर छाया चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें अति प्राचीन विदेशों तक पहुंची प्रतिमाओं को प्रदर्शित किया गया। विश्व विरासत दिवस के उपलक्ष्य में मंदसौर के यशोधर्मन पुरातत्व संग्रहालय में गौरी पुत्र गणेश पर छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान गणेश की अति प्राचीन एवं विदेशों के संग्रहालयों में पहुंची प्रतिमाओं का प्रदर्शन किया गया, जिसे लोग देखने पहुंचे। इस संबंध में पुरातत्व संग्रहालय के सहायक संग्रह अध्यक्ष जेपी शर्मा ने बताया कि यहां विश्व विख्यात दिवस को लेकर गणेश भगवान की अति प्राचीन प्रतिमाओं की प्रदर्शनी लगाई गई है, जो विदेशों के संग्रहालयों में भी स्थान पा चुकी है, लेकिन यहां लोग इन्हें देखने तक नहीं आ पाते क्योंकि यह पुरातत्व संग्रहालय शहर से काफी दूर है, जहां लोग नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए इस संग्रहालय को शहर के बीच या पशुपतिनाथ के कैंपस में स्थान दिया जाना चाहिए, ताकि लोग वहां आसानी से पहुंच सके। किस तरीके से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, किस उद्देश्य को लेकर किया गया है? पर आज दिनांक 18/4/2019 को विश्व संग्रह विरासत दिवस होने के कारण और पूरे मध्य प्रदेश में इस संग्रहालय में प्रदर्शित की गई गणेश की प्रतिमाएं प्रदर्शित की गई है। जी, क्या क्या दर्शाया गया है इसमें गणेश? इसकी विशेषता यह है कि भारत की जितनी प्रतिमा जो विदेशों में गई है और विदेशों के संग्रहालय में प्रदर्शित की गई उनकी प्रतिमाएं और भारत मध्य प्रदेश में जितनी महत्वपूर्ण प्रतिमा उनको यहाँ प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर देखने में आता है कि जो प्रतिमा है काफी प्राचीन है। हाँ। और यहाँ पर जिन लोगों ने नहीं देखी वो यहाँ पर प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। लगी हुई पर देखने में आता है कि लोग यहाँ पर नहीं आ पाते, क्या लगता है? एक तो दूरी के कारण और प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण लोग भाग आते नहीं और लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं भी है और आते हैं और 5-10 रुपए का टिकट सुन के वापस रिटर्न हो जाते हैं। तो प्रचार वगैरह क्यों नहीं किया जाता है? प्रचार किया जाता है, मीडिया के द्वारा किया जाता है और एक तरफ होने के कारण भी थोड़ा फर्क पड़ता है। तो शहर में लेना चाहिए इसको, क्या लगता है? इसको शहर में रहना चाहिए था, चाहे तो पशुपतिनाथ के जो कैंपस है उसमें होता तो और ज्यादा बेहतर था। संवाददाता विपिन चौहान के साथ SRM टुडे मंदसौर। SRM टुडे शहर की आवाज़।